हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, एनटीए की तरफ से विश्व भारती रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का यहाँ पर 6 MTs का एग्जामिनेशन चालू है। तो अभी बात करते हैं यहाँ पर 6 MTs का आज के डेट में सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन रिव्यू आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनरल जो क्वेरी है वो है 150 नंबर का क्वेश्चन है, उन पर 300 मार्क्स आप लोगों के लिए दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर आज के डेट में 30 तारीख के डेट में MTs का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कैसा रहा, कैसा क्वेश्चन रहा, कैसा उसका जो है कैसा आप लोग का टाइप्स रहा, सब कुछ का हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 6 क्वेश्चन लेवल की बात करें तो यहाँ पर इजी टू मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश थोड़ा सा यहाँ पर मॉडरेट टाइप का आया था, जहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम। दोस्तों, यहाँ पर मुझको आज थोड़ा सा डाटा यहाँ पर जो है आप लोग को मैं बता दूंगा कि यहाँ पर जो है लास्ट डेट, मतलब यहाँ पर जो है थर्ड शिफ्ट हो जाने के बाद मैं आप लोग को एक क्वेश्चन ला के दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी क्या है, अभी तो बच्चों का यहाँ पर जो है क्वेश्चन आना अभी शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आज के डेट का जो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वो एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता दूंगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले वहाँ पर जो पैसेज से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था, क्लोज टेस्ट, ईडीएम एंड फेस से 2 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर से भी क्वेश्चन आया था। उसके यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न मैं हर बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का पैटर्न यहाँ पर सेम है, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल भी यहाँ पर जो है सेम ही आ रहा है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप लोग इंग्लिश की जगह हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग इजी बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंग्लिश और बाकी जो यहाँ पर जीके है उसके साथ साथ कंप्यूटर, उन सबका जो है लेवल लगभग सेम है, और एक ही जगह से, मतलब टॉपिक तो चैप्टर वाइज अगर देखें तो एक ही चैप्टर से आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन सेम क्वेश्चन ना देखें यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ आ रहा है। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी आया था। उसके बाद कंप्यूटर में यहाँ पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के सिलेक्शन में, यहाँ पर जो एनटीए का जो आप लोग का विश्व भारती का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पर कंप्यूटर एक अहम हिस्सा है। अगर आप लोग कंप्यूटर में पार कर गए तो आप लोग मान के चलिए यहाँ पर जो एक कदम आप लोग आगे हैं। तो स्टोरेज से यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, फुल फॉर्म यहाँ पर तो मैंने बोला ही था, फुल फॉर्म यहाँ पर जो आप लोग देख के जाइए, जितना भी फुल फॉर्म होता है उससे ज़्यादा टफ मत देखिएगा, मतलब ज़्यादा हार्ड जो जो है वो मत देखिए, इजी टाइप का यहाँ पर जो क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को जानना है कि कहाँ पर से क्या क्वेश्चन है। फुल फॉर्म शॉर्टकट किट से भी यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन देना शुरू हुआ है। इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि मान के चलिए कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का डेस्कटॉप का जो यहाँ पर जो कीबोर्ड किसने इन्वेंट किया, माउस किसने इन्वेंट, ये सब कुछ छोटा छोटा यहाँ पर जो जो है रिलेटेड, जो कंप्यूटर के रिलेटेड जो जो यहाँ पर इन्वेंशन हुआ है वो सब कुछ किसने किया है, उन सब के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर जनरेशन के बारे में देख लीजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन सब कुछ बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा। कंप्यूटर का मेमोरी, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी मेमोरी है उसका, मेमोरी का मतलब जो है 1 MB इज इक्वल टू कितना बाइट होता है, उसके बाद 1 KB इज इक्वल टू कितना आप लोग का बाइट होता है, ये सब कुछ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी नंबर, माफ कीजिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी जो आप लोग का स्टोरेज होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोग का जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है वो आप लोग को थोड़ा सा बेसिक, कोई भी डीपली आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आप लोग देखिए, बेसिक से ही आप लोग का हो जाएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो होता है वो सब कुछ आप लोग को देखना है। उसके बाद एमएस ऑफिस का जो जो यहाँ पर जो 3 टाइप के एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सबके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक्सेल का मैक्सिमम मिनिमम जूम कितना होता है, वर्ड का भी मैक्सिमम मिनिमम जूम कितना होता है, लास्ट रो, लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, ये सब कुछ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ यहाँ पर कौन सा की दबाने से एकदम लास्ट रो के लास्ट कॉलम पे आप लोग पहुँच जाएंगे, कौन सा की दबाने से आप लोग फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम पे पहुँच जाएंगे, ये सब कुछ जो जो बेसिक है, उसके साथ साथ फॉर्मूला, जो बेसिक फार्मूला है वो सब कुछ आप लोग को थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना है। इन सब से ही ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टूल बार से भी थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एमएस पेंट को भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग का सेम पैटर्न है, ब्लड रिलेशन, इमेज, कोडिंग, डिकोडिंग। यहाँ पर मॉडरेटली दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर ईजी क्वेश्चन आना बंद हो गया पूरा, यहाँ पर मॉडरेट आप लोग बोल सकते हैं, हार्ड भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, तो मॉडरेट आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूसन, नंबर काउंटिंग, जो नंबर काउंटिंग होता है एक के, मतलब मन को मान के चलिए बोल दिया कि 1 से 100 के बीच में कितना नंबर है जो 2 से डिवाइडेड होता है, ऐसा कुछ यहाँ पर जो है दे देता है। उसके बाद ऑड वन आउट, इंटरचेंज, इन सभी 2-2 करके क्वेश्चन आया था।
उसको जनरल अवेयरनेस की बात करो तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस यहाँ पर जो मॉडरेट है, तो करंट अफेयर सेम यहाँ पर जो है 2023 से ही दे रहा है, और कुछ कुछ यहाँ पर जो 2022 के इम्पोर्टेंस से यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। उसके बाद इन्वेंशन, थोड़ा सा इन्वेंशन को आप लोग देख लीजिए जो कि रिसेंट हुआ है, ज़्यादा डीपली जाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग रिसेंट 2022-23 में जो जो इन्वेंशन हुआ है, ठीक है, वो सब कुछ एक बार देख लीजिए। तो उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन जो जो होता है, दूसरी इन पर इन्वेंशन तो देखिएगा, उसके साथ साथ यहाँ पर पिछला जो मतलब जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद लॉजिकल क्वेश्चन कुछ दिया गया था, मतलब यहाँ पर कुछ मतलब बेसिक कुछ नॉलेज के लिए यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पर आप लोग को जो आप लोग का बेसिक नॉलेज हो वहाँ से ही आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम जो जो यहाँ पर रिसेंटली पब्लिश हुआ है, जो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड, दोस्तों बैंकिंग रिलेटेड से थोड़ा सा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर से 2 क्वेश्चन आया था, स्टैटिक जीके जियोग्राफी से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फेस्टिवल जो मेला जो होता है वहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ पर आना शुरू हुआ है। 2-3 जो आप लोग का जो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है वहाँ पर क्वेश्चन आया था। उसके बाद अवार्ड से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। और दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2-3 तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग का आना ही है। उसके साथ साथ जनरल साइंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद फंडामेंटल राइट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ से भी 2-3 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद डांस से भी यहाँ पर बहुत सारा स्टेट डांस जो होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मैथमेटिक एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मॉडरेट दिया गया है, जहाँ पर डिविजिबल नंबर जैसे कि मैंने बताया था डिविजिबल नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डिस्काउंट, उससे डिस्काउंट यहाँ पर जो है 2-3 दिया है, मतलब डिफरेंट टाइप का डिस्काउंट, जैसे कि यहाँ पर जो है जो आप लोग का मतलब क्या बोलते हैं उसको बैक टू बैक जो डिस्काउंट देता है, मतलब 100 के ऊपर पहले 10% दिया उसके ऊपर 20% दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट टोटल में दे रहा है, कि उसका लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर जो आ रहा है। उसके बाद बोट एंड स्टीम से भी यहाँ पर क्वेश्चन आया था, परसेंटेज से भी 2-3-4 क्वेश्चन आया है, एलसीएमएस से भी आ रहा है। उसको नंबरिंग नंबरिंग जो होता है वो से भी क्वेश्चन आया है। उसको ओएजेस ओएजेस के बाद टाइम एंड वर्क से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। रेशियो से भी तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आ रहा ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो का आप लोग मान के चलिए 2-3 तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ही, ये आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद एवरेज से भी यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है 1-2। उसके बाद सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट से भी 3-4 क्वेश्चन है। उसके बाद टाइम एंड स्पीड से भी यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन दिया जा रहा है। दोस्तों पैटर्न जो है वो सेम है सब एग्ज़ाम के लिए, मतलब सब जो आप लोग का शिफ्ट हो रहा है इस एग्ज़ाम का, उन सब के लिए पैटर्न एकदम सेम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेवल भी तो सेम है, तो इसलिए पैटर्न यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है, तो पैटर्न आप लोग का सेम है। सिर्फ आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को जो ध्यान से देखना है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग को देखना है, ठीक है, उसके साथ ही आप लोग का यहाँ पर जो हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगे वीडियो अब हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।